कोरोना वायरस और जातिवाद के वायरस में कौन ज्यादा खतरनाक है? मेरा जवाब होगा जातिवाद। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना और लॉकडाउन जैसी आपदा को जातिवादियों ने दलितों पर जुल्म करने का अवसर बना लिया है। लेकिन उससे पहले एक अपील, अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, तब भारत के दलितों को इस जानलेवा बीमारी के साथ साथ जातिवाद जैसे जहर का भी सामना करना पड़ रहा है। जिस वक्त इंसानियत कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी को मात देने के लिए एकजुट हो रही है, तब भारत में ब्राह्मणवादी दलितों को चुन चुन कर शिकार बना रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के बीच भी हमारे देश में दलित उत्पीड़न की वारदातों में कोई कमी नहीं आई है, लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आइए नजर डालते हैं कोरोना काल में दलित उत्पीड़न की कुछ वारदातों पर। सदियों से अछूत कहकर दलितों की परछाई से भी नफरत करने वालों ने पहले फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग का नाम दे दिया, क्योंकि यही तो उनकी परंपरा है, और फिर क्वारंटीन सेंटर्स में दलितों के हाथ का खाना खाने से इनकार कर दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जातिवादियों के दिमाग में भरा जहर कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है। 29 मार्च, तमिलनाडु के मोरपंथंगल इलाके में पुलिस की मार से दलित युवक सुधाकर की मौत हो गई। सुधाकर दूसरी जाति की लड़की से प्यार करता था। जब पुलिस उसे थाने में पीट रही थी, तब उसने बाबा साहब की टी शर्ट पहन रखी थी। 12 अप्रैल, UP के उन्नाव जिले में दलित परिवार से घर में घुसकर मारपीट की गई। मणिकापुर गाँव के प्रधान दिवाकर सिंह और उसके साथियों पर महिलाओं से अभद्रता करने का भी आरोप लगा। 18 अप्रैल, राजस्थान के जोधपुर जिले के बासनी गांव में डुंगाराम मेघवाल की कथित उच्च जाति के लोगों ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, क्योंकि वो अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता था। 20 अप्रैल, UP के ललितपुर में एक जातिवादी गुंडे ने दलित व्यक्ति को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, नाकामयाब रहने पर घर को ट्रैक्टर से ही ढा दिया। हमारे देश में हर 15 मिनट में एक दलित के खिलाफ कोई ना कोई अपराध होता है। रोजाना 6 दलित महिलाओं से रेप की वारदात होती है। मई महीने में भी ये वारदातें जारी रही। 15 मई, अहमदाबाद में 16 साल की दलित लड़की को अगवा कर उसके साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया। 13 मई, महाराष्ट्र के बीड जिले में पारधी समुदाय के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इनका कथित ऊंची जाति वालों के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। 19 मई, UP के संभल में जमीन विवाद में बाप बेटे को दिन दहाड़े कथित उच्च जाति वालों ने गोली मार दी। इस वारदात का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। 27 मई, नागपुर शहर में अरविंद बंसोड नाम के दलित युवक का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ और 29 मई को कथित तौर पर उसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। परिवार को हत्या का शक है। जून महीने में भी जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दलितों पर जातिवादी गुंडों के अत्याचार भी बढ़ रहे थे। 4 जून, लखनऊ के बरौली इलाके में चोरी के आरोप में 3 लोगों को बुरी तरह पीटा गया, उनका सिर मुंडवा दिया गया और उनके गले में जूतों की माला डालकर घुमाया गया। 6 जून, UP के एक गाँव में 17 साल के विकास जाटव को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो मंदिर में दाखिल हो गया था। 8 जून, केरल में 20 साल के दलित युवक को तलवार से काट दिया गया। युवक दूसरी जाति की लड़की से प्यार करता था। 9 जून, महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ शहर में विराज जगताप नाम के युवक की हत्या कर दी गई। उसके सिर पर रोड और पत्थर से हमला किया गया। विराज दूसरी जाति की लड़की से प्यार करता था। 23 जून, आंध्र प्रदेश के राजामुंड्री जिले में 16 साल की दलित लड़की को नौकरी का झांसा देकर किडनैप किया गया। कई दिनों तक करीब 10 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। नागरिक अधिकार संगठन एविडेंस के मुताबिक तमिलनाडु में सिर्फ एक महीने में दलित उत्पीड़न के 25 से ज्यादा केस सामने आए। 3 मई तक इनकी संख्या 150 को पार कर चुकी थी। देश भर में ऐसी वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। 15 जुलाई, MP के गुना में दलित परिवार के साथ पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, महिलाओं के कपड़े तक फाड़ डाले गए। 16 जुलाई, गुजरात के बनासकांठा के रावी गांव में
25 साल के पिंटू को पीट पीट कर मार डाला गया। उसके बदन पर कपड़े तक नहीं थे। 18 जुलाई कर्नाटक के विजयपुरम जिले में एक दलित युवक को नंगा करके घुमाया गया, क्योंकि उसने कथित उच्च जाति के आदमी की मोटरसाइकिल को छू लिया था। 22 जुलाई पंजाब के जिला तरनतारन के गांव रसूलपुर में एक किसान की जमीन पर कब्जा करने के लिए जमींदार ने अपने साथियों की मदद से उसे अगवा कर लिया। इतना ही नहीं, किसान के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसे बंधक बनाकर पेशाब पिला दिया गया। 22 जुलाई आगरा के अचनेरा में दलित महिला की मौत के बाद सवर्णों ने उसका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। परिवार को चिता हटानी पड़ी। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में दलित उत्पीड़न के सालाना औसतन 40,000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं, जिसका मतलब है कि रोजाना 100 से ज्यादा ऐसे केस आते हैं जिनमें दलितों से भेदभाव, मारपीट, हत्या, लूट, जानलेवा हमला, बलात्कार और उत्पीड़न जैसी गंभीर वारदातों का आरोप होता है। लेकिन SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले इन मामलों में केवल 16% केस में ही सजा होती है। ऐसे में कोरोना काल भी जातिवादियों के लिए दलितों पर हमले का एक मौका बन गया है। मैंने इसीलिए जातिवाद के वायरस को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक कहा था, क्योंकि कोरोना का इलाज तो देर सबेर ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन जातिवाद नाम के वायरस का पक्का इलाज आज तक नहीं ढूंढा जा सका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। मैं हूँ सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम।